शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई के तहत आज गोपालगंज जिला के हथुआ अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार रमन ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तस्कर का नाम मालू कुमार, पिता कन्हैया चौधरी, सिवान के रहने वाला है। वह अपना अपराध कबूल करते हुए स्वीकार किया कि वह कई दिनों से शराब की तस्करी करता आ रहा है। दूसरी तरफ जिले के तेजतर्रार अफसरों में गिने जाने वाले हथुआ अनुमंडल पदाधिकारी ने चेतावनी भरे लफ्जों में कहा कि इस बात की सूचना लगातार आ रही है कि तस्कर किराए पर मकान लेकर तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके घरों पर छापामारी कर मकान को सील कर उसे नीलाम करने की अनुशंसा की जाएगी। जमीरुल हक की रिपोर्ट। कहाँ पकड़ा है? घर कहाँ आपका? सिवान। यहाँ कहाँ रहते हैं? हम सिवान रहते हैं। कौन जगह? सिवान में कौन जगह? आज जो है सो हमें एक सूचना मिली सवेरे सवेरे कि दो व्यक्ति है जो मोटरसाइकिल से और 5 कार्टून दारू लेके जा रहा है। इस सूचना के आधार पर उन्होंने रेड किया और दारू पकड़ाया भी, और दारू पकड़ा के दारू के साथ साथ दारू का जो तस्कर है वो भी गिरफ्तार हुआ है और उसको पकड़ के हम लोग भेज दिए हैं, एक्साइज के हवाले करके उसको भेजे हैं। साथ ही साथ अहम जानकारी जो यहाँ मिली है मीरगंज के एरिया में कि लोग रेंट पर लेते हैं, लोकल आदमी ही है और रेंट पर लेते हैं मकान, और जो मकान मालिक है खुद अपना मकान रेंट पर देते हैं, उस मकान से ही दारू का व्यवसाय करता है। तो हमको इसी के माध्यम से हमें यह भी बताना है कि ऐसे मकान वाले सावधान हो जाए क्योंकि चिन्हित है और हम उसको रेड करके रंगे हाथों पकड़ के उसके घर में दारू पकड़ के अगर वो बेचता है तो पकड़ेंगे और उसको निश्चित रूप से उसके घर पर भी कार्रवाई होगी और घर एक्साइज एक्ट के अंतर्गत जो प्रॉपर चैनल है उसके अंतर्गत उस पर कार्रवाई होगी और एक्साइज एक्ट के अंतर्गत उसका घर भी सील किया जाएगा और नीलामगी प्रपोजल भी जाएगी। ये तस्कर कहाँ कराने वाला है सर? ये सब लोकल है, ये नरेनिया।